जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। देख सकते हैं ये मेरी गेहूं की खेती है और कुछ आज बताने वाला हूं इस गेहूं के जो लगा हुआ खेती है उससे कुछ डिफरेंट देखने को मिला है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देखने को मिला। अभी तो अधिक सिंचाई चल रही है और देखिए कुछ गेहूं हमारे सही बराबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि मैं जो गेहूं का रोपाई लगाने का जो था मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे किया गया था इसकी खेती। और कुछ भी दिखाना चाहता हूँ आपको, क्या आपको गलती नहीं करना चाहिए जो हमारे खेतों में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे खेतों में देखते हैं, ये पीलेपन दिख रहा होगा गेहूं में, पीलेपन। ये पीलेपन आ कैसे जाता है? वैसे तो हमारे काफ़ी किसान भाइयों लोग जानकारी है, काफ़ी ज़्यादा जानकारी होंगे कि पीलेपन आने का कारण क्या होता है। देख सकते हैं ये पीलेपन जो देखने को मिल रहे हैं गेहूँ में किस वजह से देखने को मिल जाता है। ठीक जी, बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग ध्यान देना होगा ऐसे पीलेपन आपके गेहूं में देखने को ना मिले। ऐसा पीलापन रहने से काफ़ी ज़्यादा आपके गेहूं को नुकसान देखने को मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा आपको फसल नहीं अच्छी होगी ऐसा पीलापन से। इसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा जैसे कि लगातार पानी पड़ने से भी ये खेतों में आपको पीलापन देखने को मिल जाता है। और जैसे कि कभी लोग देखते हैं कि राख वगैरह फेंक देने पर ये तो धान खेतों में देखने को मिल जाता है और उपज वहाँ कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक ना उपज होने का कारण है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से। यहाँ पे गड्ढा था और बहुत ज़्यादा पानी, और कुछ मेरे फसलें तो समझ लीजिए चिड़िया और कबूतर ने भी बर्बाद किया है जगह का, लेकिन बस यहीं पे थोड़ा दिक्कत देखने को इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पानी देखने को मिल जाता था इसकी वजह से, क्योंकि इस यहाँ ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा नमी है। क्योंकि आपको धान की खेती में बहुत से बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको गेहूँ की खेती में आप एक लिमिट तौर पर ही पानी देखने दिया जाता है, अधिक पानी नहीं दिया जाता है। क्योंकि अभी जितना पानी प्यास लगेगा आप उतने ही पानी पियोगे, उससे अधिक पानी पीने से आपका हानि देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह खेती में देखने को मिल जाती है। फिलहाल मेरे इधर की फसल अच्छी देखने को मिल रही है जो कि इधर के बराबर है, और बड़े भी देखने को मिल जाएंगे। देखने ये काफ़ी अच्छा फसल जैसे देखने के लल्हा इस तरह के अच्छे हैं और इसी तरह के। और मेरा मेन मोटिवेट यही है, टिप्स यही है कि आपको किस तरह बचा के चलना है खेतों को और पीलापन से कैसे सुरक्षित करना है। तो यही छोटी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह वीडियो पाते रहने के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक।